नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख रहे हैं। इस तरह के हम लोग अभी तक 42 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका 43वां टेस्ट है। याद रखना, ये टेस्ट आपके सभी IAS PCS प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो चलिए 43वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लिए 1981-82 और 91-93 में दो अवसरों पर उभरते भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करने में IMF क्रेडिट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है, भारत का बाह्य ऋण उसके आंतरिक ऋण से अधिक है। ये आपका गलत है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका सही है, पहला कथन, दूसरा आपका गलत है। वर्ष 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के आंतरिक ऋण इसके बाह्य ऋण की तुलना में अधिक है। भारत के आंतरिक ऋण इसके बाह्य ऋण की तुलना में अधिक है। तो इसमें आपका केवल एक कथन सही था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दुनिया भर में मनाया जाता है, ठीक है। 2019 की थीम रही है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी कि सभी के लिए सभी जगह स्वास्थ्य की सुविधाएं, ठीक है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, सही है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपका गलत है। एक और दो कथन इसमें सही है, तीसरा गलत है। पुनर्निर्माण जो आपकी पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। यह मध्य आय और साख विश्वसनीय निम्न आय वाले देशों की सरकारों को उधार देने का काम करती है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत, इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना और गरीबी को कम करना है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है, इसका मुख्यालय आपका Washington DC में है। इसमें अभी वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 89, ठीक है। IMF और विश्व बैंक दोनों को एक साथ वेटनबोर्ड संस्था भी कहा जाता है। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था, तीसरे में एक और दो। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित विश्व बैंक द्वारा नहीं की जाती है? वैश्विक आकलन रिपोर्ट नहीं की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जाती है, विश्व विकास रिपोर्ट की जाती है विश्व बैंक द्वारा विकसित, ठीक है। तो इसमें दो और तीन विकसित की जाती है और वैश्विक आकलन रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा विकसित नहीं की जाती है। आपको सबसे पहले याद रखना है कि विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, विश्व विकास रिपोर्ट, दूसरी आपकी वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट, व्यापार सुगमता रिपोर्ट और वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है। और तो इसमें आपका दो और तीन होगा। क्वेश्चन नंबर चार में दो और तीन यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुधार उपायों में किसे रैंकिंग की गणना शामिल नहीं की गई? ठीक है, विकास
प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के में निम्नलिखित सुधार उपायों में से किसे रैंकिंग की गणना में शामिल नहीं किया गया है? तो आपको याद रखना है, वस्तु एवं सेवा कर को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, इसमें आपका विद्युत सुधार को किया गया है, दिवाला और शोधन क्षमता संहिता को शामिल किया गया है, संविधाओं का विवर्तन को शामिल किया गया है। और आपको याद रखना है, जो विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करती है। क्वेश्चन है छठवां, निम्नलिखित रिपोर्टों सूचकांकों को उन्हें प्रकाशित करने वाले संगठनों के साथ सम्मिलित करना है। हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है विश्व, ये आपकी रिपोर्ट है और ये संगठन है जो जारी करते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। लैंगिक समानता सूचकांक, ये आपका यूनेस्को जारी करता है। वैश्विक महिला रिपोर्ट, ये आपका आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाग जारी करता है। लिंग असमानता रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं आप लोगों को एक बार, जो आपकी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, ये आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। लैंगिक समानता सूचकांक, ये आपका यूनेस्को जारी करता है। वैश्विक महिला रिपोर्ट, ये आपका आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाग जारी करता है। लिंग असमानता सूचकांक, ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। तो इसमें आपका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, जो भी आपकी इस तरह की पीडीएफ होती हैं टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बीमा की पहुँच को किसी दिए गए वर्ष में हुए बीमा के प्रीमियम से कुल आबादी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। गलत है, बीमा घनत्व को किसी दिए गए वर्ष में हुए बीमा के प्रीमियम को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये भी आपका गलत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके दोनों कथन गलत है। बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन को दो मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। पहला है आपका बीमा की पहुंच को किसी दिए गए वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में हस्ताक्षरित प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, बीमा की पहुंच को किसी दिए गए वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में हस्ताक्षरित प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा है, बीमा घनत्व को किसी भी वर्ष में कुल आबादी के लिए हस्तांतरित किए गए प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें आपके दोनों कथन गलत थे, ना तो एक सही था ना ही दो। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, समर्थन के लिए सकल मापन समाचारों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका विश्व व्यापार संगठन से। ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग नौवें क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक समूह में विभिन्न प्रकार के स्वपोषी एवं परपोषी जीव सम्मिलित हैं। गलत है, कवक केवल आद्य स्थानों में उगते हैं। ये भी आपका गलत है, कवक के कारण मानव में मस्तिष्क ज्वार हो सकता है। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका तीसरा कथन सही है, एक और दो गलत है। कवक समूह में विभिन्न प्रकार के स्वपोषी एवं परपोषी जीव सम्मिलित हैं। स्वपोषी वे कहलाते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये परपोषी कहलाते हैं। कवक सूक्ष्म
कवक एवं सूक्ष्म जीवाणु अंतरिक्ष में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इन जीवों को सूचीबद्ध करने के लिए कई अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं। प्रमुख रूप से जो मस्तिष्क ज्वार जीवाणु जनित रोग है, लेकिन कवक को भी मानव में मस्तिष्क ज्वार का कारण पाया गया है, हालांकि ऐसा बहुत कम केसों में होता है। तो इसमें आपका केवल 3 कथन सही था। बात करते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत किया गया है। गलत। NCLAT प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी भी दिशा निर्देश के खिलाफ को अपील को सुनने और मामलों का निपटान करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण है। ये आपका सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा होती है। ये भी आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका केवल दूसरा कथन सही है, बाकी 3 और 1 गलत है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 411 के अनुसार चेयरमैन या अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। 10 में आपका केवल दूसरा सही था, डी ऑप्शन। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी उद्योग को संतोषजनक और प्रभावी बनाने हेतु एक नियामक रूपरेखा तैयार की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत एवं लागू हो जाएगी की जाएगी। गलत है। IMO द्वारा जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये आपका सही है। तो 11 में आपका दूसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजरानी उद्योग को संतोषजनक और प्रभावी बनाने के हेतु नियामक रूपरेखा तैयार की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत एवं लागू की जाएगी। इसका क्रियान्वयन राष्ट्र राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दूसरा सही था। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है? तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ए ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना पहली बार 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रिटिशन बोर्ड वर्ड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के बेटन बोर्ड्स नामक स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लैक होल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। बिल्कुल गलत है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान क्षेत्र है जहाँ पर पदार्थ इतना संकुचित होता है कि वह ऐसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है जहाँ से प्रकाश भी पार नहीं हो पाता है। ये आपका सही है। आर्चीवाल्ड व्हीलर ने ब्लैक होल का अनुमान लगाया था। ये आपका गलत है। इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, 1 और 3 गलत है। हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की है। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 के मध्य में अमेरिकी विज्ञानी जॉन आर्चीवाल्ड व्हीलर ने प्रयोग किया था, जबकि वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 13 में आपका केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की।
विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सेज विदेशी व्यापार नीति के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित है। सही है, गलत है, सॉरी। इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को बढ़ावा देना, ये भी आपका गलत है। भारत एशिया का पहला देश था जिसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रभाव की पहचान की। एशिया का पहला EPZ कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। भारत में सेज को वर्ष 2000 से 2006 तक विदेशी व्यापार नीति के प्रावधान के अंतर्गत संचालित किया गया था। इसके साथ साथ विभिन्न कानूनों द्वारा कर राजस्व को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में CSEZ अधिनियम 2005 के अंतर्गत संचालित है। सेज का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात तथा घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास करना शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके दोनों कथन गलत थे, डी ऑप्शन था। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। मंडी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन आयोग पर विचार किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया है। इसमें मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मूल प्रवृत्तियाँ, अंतर फसल मूल क्षमता, कृषि और गैर कृषि के क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, चारों शामिल हैं इसमें। क्या है? चारों शामिल हैं, यानी कि चारों सही हैं इसमें, ठीक है। तो 15 में आपका क्या होगा, डी ऑप्शन। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर के बावजूद भारत में निम्न विकास दर का के मुख्य कारण है क्या है? उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है जिसके कम रहने पर वह उधार नहीं दे सकता है, यह आपका सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है, यह आपका सही है। रिजर्व बैंक ने आधार दर से MCLR में परिवर्तित करने का फैसला किया क्योंकि सीमांत निधि लागत पर अधिक आधारित दरें नीतिगत दरों में बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। तीसरा कथन आपका गलत होगा, एक और दो सही होगा। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर किसी बैंक की न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है जिसके कम रहने पर उधार नहीं दे सकता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए रिजर्व बैंक ने अनुमति दी हुई है। यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है। 1 अप्रैल 2016 से भारतीय रिजर्व बैंक ने अग्रिमों के लिए ब्याज दरों को तय करने के लिए सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर की कार्यप्रणाली अपनाई थी। इस नई कार्यप्रणाली ने जुलाई 2010 में शुरू की गई आधार दर प्रणाली का स्थान लिया है। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था, ए ऑप्शन सही था। बात करते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन की। स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपकी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु एक पहल है, 18 में बी है। बात करते हैं 19वां। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से मैं क्या क्या शामिल है,
विदेशी मुद्रा संपत्ति विशेष आहरण अधिकार सही है, विदेशों से लिया गया ऋण ये आपका गलत है, रिजर्व टेंच स्थिति ये आपका सही है, 1, 2, 4 सही है इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष में निहित रहते हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित वित्त के भाग की स्थिति यानी कि रिजर्व टेंच स्थिति और विशेष आहरण अधिकार SDR। ठीक, तो इसमें आपका 19 में 1, 2, 4 सही था। बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। क्या है 20वां क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जो भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और निकट वास्तविक समय वाली PCR विकसित करने हेतु सुझाव देगी। इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो याद रखना YM देवस्थली इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या होगा इसमें? डी ऑप्शन होगा, YM देवस्थली। 20 का आपका डी होगा। बात करते हैं हम लोग 21वें क्वेश्चन के। सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति के तहत 2 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय में के साथ सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि की परिकल्पना की गई है। गलत है। इसका लक्ष्य एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहन करना जिससे वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दोगुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सके। गलत है ये भी। इसका एक लक्ष्य सॉफ्टवेयर उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना जिसमें Tier 2 और Tier 3 नगरों में ऐसी 1,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं। सही है। इसका लक्ष्य सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका 3 और 4 सही है, 1 और 2 कथन गलत है इसमें। इस पर आपको 1,500 करोड़ रुपए कुछ रुपये को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि एवं अनुसंधान एवं नवाचार निधि में विभाजित किया जाएगा। कितना? 1,500 करोड़, ना कि 2,000। बौद्धिक संपदा IP से संचालित होने वाले एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहन करना जिससे वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में 10 गुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो इसमें आपके 3 और 4 कथन सही थे। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय अक्षमताओं का भी स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सही है। बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण यह योजना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य की गई है। यह आपका बिल्कुल गलत है। इसमें केवल आपका एक कथन सही है। दूसरे में आपका क्या होगा? उदय भागीदारी के लिए स्वैच्छिक योजना है जिसमें राज्य अपनी इच्छा से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन कार्य ऊर्जा क्षम दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किए जाते हैं? ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों के लिए मानक और लेवल अनिवार्य करना, वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता निर्धारित करना, लघु और मध्यम उद्योग में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय साधन विकसित करना। आपके चारों कथन सही है।
क्या है? चारों कथन सही है। तो 23 में आपका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला 24। वैश्विक ऊर्जा तथा CO2 स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से कार्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा किए जाते हैं? ये मांग जमा को स्वीकार कर सकती है, गलत है। यह स्वयं को आहरित चेक जारी कर सकती है, ये आपकी गलत है। दोनों कथन इसमें गलत है। NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मांग को जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो आपकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और स्वयं को आहर चेक जारी नहीं कर सकती है। तो इसमें आपका डी होगा, ना तो एक सही था और ना ही दो। तो चलिए, ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। ठीक है।